सलामी देती हुई सोल के ऊपर पुश किया जाएगा। अक्षत्र में कहा आपको बोल करते हुए पुश किया जाता है, एक प्रकार डैमेज देगी, काफी लोग किया जाता है नॉक नहीं होते हैं। मूदी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक प्लेट डाउन होता है टीम सब की तरफ से, अक्षत यहाँ पर उसी अपनी स्विच करते हुए नजर आएंगे, दो प्लेट डाउन हो जाएंगे, टू इवन सिचुएशन बन जाएगा। आखिरी प्लेयर बचे हुए टीम सोल के जिनको यहाँ पर कुछ कमाल करना पड़ेगा, अक्षत सामने स्प्रे दिया जाएगा काफी डैमेज देते हुए, लेकिन एम4 का स्प्रे कनेक्ट करता हुआ से, लेकिन वहीं पर एचपी की बात करें अक्षत की तो वो डाउन हो जाती है बिल्कुल, मैनेज हो जाएंगे, किट लगाने की कोशिश की जाएगी, किट लगाने नहीं दी जाती, राउफ पुश करते हैं इंस्टेंटली इनकिल कंफर्म करते हुए, लेकिन बैक एंड बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है। सोल के बिल्कुल सामने मौजूद है जहाँ पर जाता है शिवेक्स की तरफ से, हेक्टर के पास कुर्नी जाएगा, हेक्टर काफी डैमेज खाते जरूर है, लेकिन फ्रंट डाउन होकर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके एंगल में प्लेयर आए, लेकिन रैंडम फायर्स के अंदर डैमेज पड़ता हुआ काफी लोग जाएंगे, शिवेक्स उनको नॉक करते हुए नजर आते हैं। पहला इस मैच के अंदर आई थिंक 52 हैज अ चांस, लोगों को लग रहा होगा शायद मैं हर मैच में यही बोल रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव दे डू हैव अ चांस। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि सर्कल मेन आइलैंड पर है और मेन आइलैंड पर आधा हिस्सा सर्कल का, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20% जो हिस्सा है वो मैप से बाहर है, लैंड एरिया से बाहर है, पानी शुमार हो रहा है 20% सर्कल के अंदर। और 52 अगर अर्ली रोटेट करती है कैंप ब्रावो तक तो मेरे ख्याल से वो सर्कल के सेंटर में रह भी जो है थोड़ा सा एग्रेस कर रही है और राइट ऑन टाइम रिजिस के ऊपर आ चुकी है, नेट्स भी कुक किए जा चुके हैं, टीम सोल के अनफॉर्चुनेटली दोनों ही प्लेयर्स उस हार्ड कवर के पीछे मौजूद हैं। एक्सचेंज ऑफ फायर्स होता है, गॉबलिन पहला नॉक यहां पर एक्सचेंज करते हैं, आइस ब्रेकिंग नॉक रहेगा लेकिन ओमेगा को टेक डाउन कर लिया जा चुका है टीम आरएसजी के प्लेयर्स की तरफ से। आरएसजी लाइटनिंग कोशिश करेंगे, ओमेगा का किल भी कंफर्म कर लिया जाए, कर भी लिया जाता है, के फ्लावर सी को टेक डाउन करने में कामयाब, बैक एंड से रहते हैं टीम सोल के प्लेयर्स एंड टीम सोल के मजीद एक और प्लेयर को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाती है टीम आरएसजी। आरएसजी इज लुकिंग प्रीटी गुड राइट नाउ, टीम सोल को एलिमिनेट ही कर दिया जाता है, हालांकि उन्होंने परफॉर्म किया था, इनफैक्ट तीसरा मैच है, टीम सोल इज हियर। यूएसजी के ऊपर रशन करते हैं और यहां पर मौजूद रहेंगे यूएसजी के सारे प्लेयर, गाड़ी में बैठे बैठे नॉक निकालने की कोशिश की जाती है, निकाल भी लेते हैं, यूएसजी के प्लेयर मौजूद रहेंगे, अभी भी एक प्लेयर ही सिर्फ नॉकडाउन हुए, 3v3 सिचुएशन यहां पर बन चुकी है, नॉक किया जाएगा यूएसजी के एक मजीद प्लेयर को सोल गॉब्लिन की तरफ से, गॉब्लिन अब कोशिश करेंगे कि कैरी किया जाए अपनी टीम को, स्मोक्स डिप्लॉय करते हैं और एक बर्स्ट व्हीकल भी मौजूद है, टीम मॉर्फ यहां पर ऊपर से मुश्किल में इजाफा कर रही है और टीम सोल भी इनके हत्थे चढ़ सकती है, बहुत अच्छे तरीके से कवर फायर प्रोवाइड करती है टीम मॉर्फ टीम यूएसजी के प्लेयर्स के लिए, की जिन्होंने कवर प्रोवाइड किया, एक शानदार कवर प्रोवाइड करते हुए टीम मॉर्फ नजर आई जरूर थे टीम सोल को। गॉब्लिन काफी डैमेज देने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी बुलेट कनेक्ट नहीं करती, फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रेनेड उनकी तरफ से खींचा जाएगा और इस वक्त ग्रेनेड दागने की कोशिश की जा रही है, ग्रेनेड जाएगा ऑन द साइड ऑफ टीम एसटी एंड एक्शन इज डाउन टू 1 HP, फोर्स टू मूव बैक, लेकिन उनको यहां पर सपोर्ट करते हुए गॉब्लिन ने आगे बढ़ते हुए अब टीम सोल कोशिश में जो है वो मदद की थी टीम सोल की, अब वही टीम सोल अपने कदमों पर खड़े होकर उसी टीम मॉर्फ को एलिमिनेट करने की कोशिश करने वाली है। बट नाउ आप देखिए किस तरह से एक टीम जो डिफेंडिंग स्टांस में थी वो अटैकिंग स्टांस में जाती है, एक मौका उनको अच्छा मिला, चुके हैं अभी भी वो मजीद किल कंफर्म करना चाहते हैं, मॉर्फ स्प्रेस देते हुए डीडब्ल्यूजी के ऊपर, आखिरी प्लेयर फॉरेस्ट मौजूद, लेकिन क्या यहां पर सोल वर्सेस मॉर्फ फाइट बनती है, सोल डिसएडवांटेज में है ये बात आप जान लें, मॉर्फ एडवांटेज में बिकॉज दे हैव दैट हाइट, लेकिन सोल को पुश करता हुआ सर्कल ओमेगा नो को जाएंगे, ग्रेनेड गॉब्लिन स्पैम करते हुए सामने तक की मौजूद काफी मुश्किल है, और अब यहाँ पर दो व्हीकल्स में चार प्लेयर्स को रोटेट करना प्रॉब्लमेटिक बनेगा जरूर, लेकिन एसटीई अक्षत के ऊपर पुश कर जाएंगे, अकेले प्लेयर सोल के यहाँ पर इस कॉम्पोनेंट में मौजूद थे, ये डिस्पोजन बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाएगा, अक्षत यहाँ पर सरप्राइज देते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल अपनी पोजिशन रिवील नहीं करना चाहते थे, पिका के साथ मनीवन लेना पड़ेगा, पिका पर प्री फायर देने की कोशिश करते हुए अक्षत की पोजिशन बिल्कुल भी नहीं पता, पिका को मोलोटोव भी थ्रो किया जाएगा, प्री फायर अक्षत देते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्लेयर पुश करते हुए अक्षत के ऊपर अक्षत को कवर फायर देना पड़ेगा, सोल प्लेयर यहाँ पर पुश कर जाते हैं, ये एक अच्छी अप्रोच है, यहाँ सोल को कुछ कमाल करना पड़ेगा, अक्षत हील कर लेते हैं, गॉब्लिन आगे आते हुए किल कंफर्म करते हुए सोल के गॉब्लिन यहाँ पर अब 2v4
उनको आना चाहिए था। अक्षत अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अक्षत को यहाँ पर रिवाइवल के लिए जाना जरूर है और एक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन वन एचपी प्लेयर मौजूद है, ओमेगा हेक्टर रिवाइव हो जाएंगे, अक्षत आगे बढ़ते हुए एक्शन को एलिमिनेट किया जाएगा, टीम गेट्स एलिमिनेटेड बाय लूजिंग वन प्लेयर। एक प्लेयर अपना गंवाने के बाद चार किल्स कंफर्म कर जाते हैं, अच्छी ट्रेड है जरूर, मगर इसको मैं शानदार ट्रेड नहीं कहूंगा।